तुम्हें हेलो फ्रेंड, नमस्ते जोहार। तो मैं आज आप लोग के लिए खास वीडियो लाई हूँ, तो जिसमें मेरा है चिकन मटन और मछली का वीडियो। तो मेरा अलग अलग दिन का शूट किया हुआ है फ्रेंड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं एक ही वीडियो में कनेक्ट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं किचन फ्रेंड। तो मैं अभी जा रही हूँ फ्रेंड मटन बनाने। तो मटन को मैं बर्तन में निकाल ली हूँ, तब निकालने के बाद अभी जा रही हूँ मैं इसको धुलूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, है ना। तो अभी देखिए मैं लहसुन निकाली हूँ, तो लहसुन और प्याज छील लेती हूँ। तो छीलने के बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं। तो अभी देखिए फ्रेंड, लहसुन प्याज छील ली हूँ मैं। तो अभी प्याज को मैं धुलूँगी, काला काला है ना। अभी देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, तो मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल और फ़ौरन भी, है ना, मिर्चा और तेज़पत्ता सबको, और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। प्याज डाल दी हूँ और प्याज को अच्छा सुनहरा कलर आते तक मैं अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ। तो कड़ी पत्ता मैं इस चलते देती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। और मटन को मैं अच्छा से धुल ले रही हूँ फ्रेंड, उधर प्याज भुंजा रहा है। और तो देखिए मटन भी धुल ली हूँ मैं, तो अभी प्याज भी इधर सुनहरा कलर आ रहा है धीरे धीरे। तो देखिए प्याज भुंजा गया है, तो मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छा से मिक्स करके भूंज लूँगी। अब भूनने के बाद अभी डाल रही हूँ मैं मटन। तो मटन डालने के बाद उसको भी अच्छा से मिक्स करते हुए चलाऊँगी अभी। देखिए मिक्स हो रहा है, तो मिक्स हो गया है फ्रेंड, है ना। तो मैं इसको ढक देती हूँ 10 मिनट के जैसे, तो मटन से फिर पानी निकलेगा। तो मटन को अच्छा से चलाते हुए भूंज लेंगे फ्रेंड, है ना। और हल्का हल्का पानी सब छोड़ रहा है मटन में, तो जब ज़्यादा छोड़ लेगा उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। देख सकते हैं पानी पूरा छोड़ दे रहा है ना। तो इसको मैं अच्छा से चलाते हुए भूंज लूँगी मटन को। और अभी देखिए, और मटन में मसाला डालते हुए तो नहीं दिखा पाई फ्रेंड, तो उसके लिए सॉरी। तो मसाला मेरा भुंजा गया है अच्छा से, तो मैं डाल दी हूँ पानी और 10 मिनट के जैसे छोड़ दूँगी ढक के, तो मटन फिर हो जाएगा इधर रेडी, है ना। धुलने जा रही हूँ, तो मैं अच्छे से धुल लेती हूँ। तो मैं अभी बर्तन में निकालने जा रही हूँ चिकन को, और देखिए। और इसका रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं इसको अच्छा से धुल लेती हूँ चिकन को। इसको अच्छा से धुल लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि चिकन में थोड़ा सा इसका जेली टाइप का रहता है, तो ये सबको मैं अभी हटा लूंगी अच्छा से, है ना। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और देखिए कि मैं कैसे कैसे करती हूँ। मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी, तो सिंपल साधारण ही बनाती हूँ मैं। तो मैं इसको मैं धो ली हूँ फ्रेंड। तो इधर मैं पहले से पेस्ट बना के रखी हूँ अदरक लहसुन मिर्चा, देख सकते हैं। और इधर प्याज भी मैं काट ली हूँ, तो मैं अब इसको जा रही हूँ बनाने। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फ्रेंड गरम होने के लिए, तो इधर कढ़ाई गरम हो रहा है। तो कढ़ाई गरम हो गया फ्रेंड, तो मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। तो इधर तेल गरम होते तक मैं आप लोग को दिखाती हूँ मसाला। मैं ली हूँ खड़ा मसाला, ये है लाल मिर्च, दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, और ये हरी इलायची, लौंग और तेजपत्ता। तो इसको मैं फौरन में डालूंगी। तो देखिए इधर तेल गरम भी हो गया है, तो मैं डाल देती हूँ फौरन को। तो तेल गरम हो गया है फ्रेंड, तो मैं डाल देती हूँ फौरन। तो फौरन डाल दी हूँ, तो फौरन को मैं चला लेती हूँ। अब डाल देती हूँ प्याज जो काट के रखी थी मैं। अब
जिसको मैं अच्छा से फ्राई कर लूंगी प्याज को सुनहरे कलर आते तक। तो प्याज फ्राई हो गया है फ्रेंड, तो मैं डाल देती हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। यह है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैं डाल देती हूँ इसको अच्छे से और इसको भी चला के अच्छा से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया है फ्रेंड, तो मैं डाल देती हूँ इसमें चिकन। इसको भी मिक्स करते हुए चला लूंगी अच्छा से। तो चिकन को मैं अच्छा से मिक्स कर ली हूँ फ्रेंड, और अब इसको मैं ढक देती हूँ और इसको ढक। तो मैं चिकन को एक बार ढक्कन हटा के मैं चला लेती हूँ फ्रेंड, और देखिए चिकन से पूरा पानी निकल रहा है। तो चिकन से जब पानी निकल जाएगा, हल्का पानी रहेगा चिकन में, और मैं डालूंगी मसाला। तभी मैं फिर से 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ चिकन को। फिर से ढक के 2 मिनट के जैसे छोड़ देती हूँ, और अच्छा से जब पानी निकल जाएगा, तो अच्छा से पानी निकल जाएगा तब मैं मसाला डालूंगी। तो चिकन को एक बार ढक्कन हटा लेती हूँ फ्रेंड, और देखिए अच्छा खासा पानी निकल गया है चिकन से, है ना। तो मैं चिकन को एक बार चला लेती हूँ, उसके बाद मसाला डालूंगी। तो चिकन के साथ साथ मसाला भी भुंजा जाएगा मेरा, पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ता है ऐसे में। तो मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। तो मसाला डाल लेती हूँ मैं इसमें। तो मैं मसाला निकाल ली फ्रेंड। तो ये है मेरा चिकन मसाला, और ये धनिया, काली मिर्च और जीरा का पाउडर मैं बना के रखती हूँ। ये है मेरा हल्दी, और इधर है लाल मिर्च पाउडर। तो मैं मिक्स करके डाल देती हूँ, और देखिए मैं डाल के एक बार चला लेती हूँ अच्छा से। के लिए मैं ढक देती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। तो टमाटर काट लेती हूँ। तो मैं टमाटर काट ली हूँ फ्रेंड, तो मैं टमाटर डालूंगी अभी। तो देखिए अभी ढक्कन हटा ली हूँ मैं, और डाल देती हूँ टमाटर, और अब डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो मैं मिक्स कर लूंगी अच्छा से। देखिए मिक्स हो रहा है। तो मैं अच्छा से मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड, और देखिए मिक्स हो रहा है। अभी नमक डाली हूँ, तो थोड़ा सा और पानी छोड़ेगा मीट से, और टमाटर भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसे ही हल्का धीमा आंच कर दूंगी, और ढक ढक के पकाऊंगी चिकन को। मैं और एक बार ढक्कन हटा के देखती हूँ फ्रेंड, और देखिए मसाला से भी पानी छूट रहा है। अभी मैं नमक डाली थी, तो मैं सही ही धीमा आंच करके ही चिकन को पकाऊंगी अच्छा से, और सूखा ही रखूंगी, पानी नहीं डालूंगी मैं। ओके, 10-15 मिनट जैसे, दो दो मिनट में मैं बनाऊंगी चिकन को। तो देखिए फ्रेंड, देख सकते हैं चिकन मेरा रेडी हो गया है, और देखिए तेल छोड़ दिया साइड साइड में, है ना। तो मैं इसको चला लेती हूँ अच्छा से, और देखिए कितना अच्छा, एकदम पूरा लेग पीस सब एकदम पक गया है। अब मसाला भी एकदम कितना अच्छा, एकदम महक तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो चिकन हो गया है रेडी। तो मैं अब इसमें डालती हूँ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल लेती हूँ मैं। तो मैं डाल देती हूँ फ्रेंड धनिया पत्ती, और मेरा चिकन हो गया है रेडी, देख सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट प्लेट में निकाल लेती हूँ।
तो मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ फ्रेंड, प्लेट में निकालने जा रही हूँ। देख सकते हैं और कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं बच्चे सबको दे रही हूँ फ्रेंड खाने के लिए, और ये लोग बोल रहा है चिकन के ही साथ खाएंगे, तो मैं चिकन ही दे रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद आता है। तभी बच्चे इधर खा रहे हैं चिकन फ्रेंड, तो मैं अभी जा रही हूँ अगला वीडियो मछली बनाने। मछली लाए हैं फ्रेंड, तो मैं मछली को धुल लेती हूँ अच्छा से रगड़ रगड़ के, क्योंकि मछली के अंदर में इसमें काला रहता है ना, देख सकते हैं। तो इसको अच्छा से साफ कर लेती हूँ मैं। तो मैं इसमें मछली में मैं हल्दी डाल लेती हूँ फ्रेंड, है ना। तो ये मैं हल्दी डाल दी हूँ, थोड़ा सा डालूंगी, नमक डालूंगी और थोड़ा सा डालती हूँ लाल मिर्च पाउडर, अभी मेरा पैकेट में ही है। अब सबको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छा से। देखिए मिक्स हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड अच्छा से मिक्स हो गया है, है ना। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो मैं अभी सरसों का तेल डाल रही हूँ फ्रेंड, और सरसों का तेल में ही मैं फ्राई करती हूँ मछली। तो फ्रेंड मेरा तेल इधर गरम हो गया है, तो मैं एक एक करके मछली डालती हूँ। एक बार में जितना आता है मुझे उतना ही डालूंगी, तभी तो चार पीस डाल रही हूँ। तो इसको अच्छा से एकदम करंची होने तक एक साइड पल। तो मेरा मछली एक साइड फ्राई हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं। तो मैं इसको पलट लेती हूँ और देखिए अच्छा से हो गया है। अब थोड़ा सा अब अंदर में भी पका लेती हूँ एक साइड, है ना। हो गया है फ्रेंड, तो मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, है ना, देख सकते हैं। तो मैं और एक बार थोड़ा सा डाल लेती हूँ मछली, दूसरा बार भी मछली डाल दे रही हूँ फ्रेंड, और इसको भी फ्राई करती हूँ अच्छा से, है ना। तो सबको मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। तो देखिए फ्रेंड मछली हो गया है फ्राई, और मैं फ्राई कर ली हूँ, देख सकते हैं। और इसको हम लोग अभी ऐसे ही खाएंगे, इसको सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि तो मेरा चिकन मटन और मछली का फ्राई मतलब कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मिलेगा। बाय बाय।